नमस्कार, एमपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजहार हसन खान। मध्य प्रदेश में वन हमलों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी अशोकनगर और रायसेन का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि राजधानी भोपाल से नया मामला सामने आया है। यहां पर दो चौकीदारों के साथ शिकारियों द्वारा गोली मारने और चाकू मारने की घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों चौकीदारों का अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल भोपाल की बैरसिया के बल्ली सर्किल के चौकीदार इंदर और पर्वत दोनों शनिवार रात को नर्सरी से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो अपने घर लौट रहे थे, उसी दौरान उन्होंने देखा कि जंगल में लाइट जल रही है, जिसके बाद वो लाइट जलने वाली जगह पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि दो शिकारी शिकार की तलाश में बंदूक लेकर घूम रहे हैं। दोनों ही चौकीदारों ने हिम्मत दिखाते हुए शिकारियों को पकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच झूमाझटकी हुई। इसी दौरान एक शिकारी ने इंदर के चाकू मार दिया तो वहीं दूसरे पर्वत के गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इंदर का बेरसिया के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है तो वहीं पर्वत का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज जारी है। बात ये हुआ कि हमने पार्टी मार्टी करी थी, हम पार्टी खा के जा रहे थे। पार्टी बनाई थी नरसाली में, बाटिया बनाई थी, बड़ी दाल बाटी खाई थी हमने। नाकेदार साहब, डिप्टी साहब, दो तीन चौकीदार, दो तीन नाकेदार, हम सब साथ ही थे। अच्छा, तो बाटिया खा के हमने कि अब घर हम चले। तो वे तो अपने अपनी जगह बल्डी सर्किल डिप्टी साहब चले गए, नाकेदार साहब बेरसी आ गए, मुख्यालय पे उसे आ गए। हम मैं और पर्वत दो ही जा रहे थे। हमें टार्च दिखी जंगल में, हम जंगल में जा रहे थे दो ही। मैंने कहा चल यार पर्वत, इन्हें देख के आएंगे कौन है। हम जब वहाँ पहुँचे तो उनने एक फायर पहले कर दिया, शिकारियों ने एक फायर करा। हमने कि हम रास्ते पे चले जी, यही उतरेंगे। वो हम रास्ते पहुँचे, वो उतर के आ गए। हमने उन्हें पकड़ लिया, हमने उन्हें पकड़ लिया तो एक को पकड़ लिया, एक दूर भाग गया, एक को हमने दो ही ने पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ लिया हमने एक को तो उसकी हमने मारा ठोकी करी, उसने हमारी करी, हमने उसकी करी, दो ही लड़ते रहे आपस में। ये पहला मामला नहीं है जब वन हमले पर इस तरह के हमले हुए हैं। इससे पहले रायसेन के सिलवानी में भी ग्रामीणों ने वन हमले पर हमला किया था, तो वहीं अशोकनगर के चंदेरी में भी ग्रामीणों ने वन हमले पर हमला किया था। ऐसे मामले रोकने के लिए ज़रूरत है कि वन हमले को बढ़ाया जाए, उनके स्टाफ में जो उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए और उन्हें थाने के तर्ज पर डेवलप किया जाए, जिससे कि वो किसी भी तरह की स्थिति से निपटने में कामयाब हो सकें।